तो गाइस अभी देखो चाबी ऑन है, ये देखो NS125 पे ऐसा सिस्टम कोई भी नहीं किया अभी तक यूट्यूब में। मैं ये पहला वीडियो होगा जो भी मैं छोड़ूंगा। सब चल रहा है ना, देखो तो ये पूरा पूरी वर्किंग है। और ये देखो तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस जो आज का वीडियो मेरा होने वाला है जो NS125 में है, आप की ऑन करोगे ना मीटर का लाइट नहीं चलता है ना, तो इसमें हम मीटर का लाइट जलाएंगे। तो कैसा इसको करना है वायरिंग मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइस जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वाला बहुत इजी वाला स्टेप है गाइस, इजीली होगा और वायरिंग कॉर्ड कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें। और चलो करते हैं, मैं हेडलाइट वाला सब खोल दिया हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा इसको वायरिंग करना है। तो चलो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर चेकआउट कीजिए, मैं हेडलाइट को पूरा खोल दिया हूँ और देखो चाबी पे ऑफ है। तो अभी देखो ये ऑन हो गया, इधर देखो जैसे देखो इधर से देखो ये ऑन हुआ और इसका लाइट देखो नहीं जल रहा है अभी। ये देखो लाइट नहीं जल रहा, अभी ऑन करो स्विच। ये देखो काम दे दिया, अभी देखो ये देखो जल रहा है ना, अभी देखो जल रहा है। अभी चाबी ऑफ कर, ये ऑन कर आपका स्विच को, ये देखो ऑन कर स्विच, ये देखो जल रहा है। तो गाइस हमने इसको क्या क्या है, जो पासिंग लाइट का जो स्विच है ना उसमें हम स्विच का सिस्टम कर दिया है जिसमें डायरेक्ट हो गया है। और ये देखो तो आगे का चाबी आप की ऑन करोगे तो ये जलेगा पूरा। तो ये देखो चाबी ऑफ कर, चाबी को ऑफ कर, अभी चाबी ऑन करो, ये देखो चल रहा है पूरा। और इसमें हम ये स्विच का सिस्टम किए हैं जो जिसमें ये काम कर रहा है। देखो पूरा दिख रहा हूँ, लाइट ऑफ हो गया, ऑन ऑफ, ये देखो ऑन है अभी, ये देखो ऑफ हो गया। तो इसमें हम क्या किए हैं, ये जो अभी ऑफ कर लेते हैं, ये जो आप वायरिंग देख रहे हो ये इस साइड का मोल्ड का है। और इसमें हम क्या किए हैं, दो ठो वायर है जो कि ये पासिंग लाइट का है। तो आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सा दोनों वायर है। तो देखो गाइस इसमें ये वाला ब्लैक और रेड वाला कॉम्बिनेशन वाला एक वायर है और दूसरा वाला ये वायर है। ये देखो ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये पासिंग लाइट का स्विच और पासिंग लाइट का ये है। तो इसमें हम क्या किए हैं, जो ये वाला वायर है ये वाला वायर है। तो गाइस जो देखो किस पे आप इसको जॉइंट करोगे, ये वाला जो वायर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला येलो का साइड वाला, येलो का साइड वाला बीच वाला, बीच वाला जो वायर है इसमें एक वायर हमको देना है। ये देखो मैं दे दिया हूँ एक वायर। और जो दूसरा वाला मैं वायर बोला था रेड और ब्लैक वाला, तो उसमें आप एक वायर दे देना और उसके बाद ये हो जाएगा और उसके बाद आप प्लगिंग कर लेना। और ये देखो चाबी ऑन करोगे तो ये सब जलेगा अभी। उसके बाद ये जो कपलर है एक स्विच लाए हैं और इसको हम इसमें ज्वाइंट कर लिए हैं, जो दोनों वायर है उसको ढूंढ कर। और इसमें ये चालू हो गया, काम दे रहा है अभी। और गाइस अभी एक और एक स्विच लगाएंगे जो कि हेडलाइट में, जो कि आप स्विच ऑन करोगे तो ये जलेगा। तो वही वो वाला भी कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस से ही हो जाएगा, चाबी जब ऑन करोगे तब ये भी जलेगा और पार्किंग लाइट भी जलेगा। चलो करते हैं उसको भी। तो गाइस ये वाला जो है हेडलाइट का वायर है, इस बीच में काटना पड़ेगा और इसमें स्विच लगेगा दोनों साइड एक एक वायर। तो इसको करते हैं चलो। तो गाइस जितना भी वायरिंग था सब हो गया है और जो एक्स्ट्रा हम स्विच लगाए थे इसमें तो ये लग गया। और जो ये रेड वाला कपलर इसमें, इस पर हम डायरेक्ट सिस्टम कर दिए, तो इसमें एक वायर लेके ना दोनों साइड लगा दिए तो ये हो गया। अभी देखो गाइस, अभी देखो, तो गाइस अभी देखो चाबी ऑन है, ये देखो
NS125 पे ऐसा सिस्टम कोई भी नहीं किया अभी तक। YouTube में मैं ये पहला वीडियो होगा जो मैं छोड़ूंगा। तो चाबी ऑफ कर, चाबी ऑफ कर, ये चाबी ऑफ हुआ, चाबी ऑन कर। ये देखो पूरा फुल टू वर्किंग कर रहा हो रहा है। और इसमें कैसे कुछ भी वायरिंग कट करना नहीं पड़ेगा और विदाउट वायरिंग कट करके ये सब हो गया। और बहुत इजी वाला प्रोसेस है गाइस। और बाकी वायरिंग ठीक से करना पड़ेगा, कौन सा वायरिंग का कौन से लगाओगे नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा। अभी उड़ा था फ्यूज तो ये देखो सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ का फिर देखो लाइट देखो जल रहा है, देखो ये देखो, जो कि NS125 और 160 में ये सब नहीं है, जो कि NS200 में खाली है। और ये वाला फिर देखो लाइट जल रहा है, ये वाला देखो लाइट जल रहा है। तो गाइस ये पूरा फुल टू वर्किंग हो गया और इसको थम्स अप करते हैं ये वाला वीडियो को। और गाइस ये वाला वन इन इंडिया पहला वाला वीडियो होगा ये। तो गाइस ये वाला वायरिंग तो हो गया इजीली, जो कि हमारा करना था। चाबी की ऑन करोगे तो लाइट सब जलना चाहिए, तो अभी सब जल रहा है। और रात में आपको दिखाऊंगा कैसा इसका जल रहा है, दिखाऊंगा ठीक से। अभी तो ठीक से नहीं, बहुत ही धूप है तो अभी दिखाई नहीं देगा, तो मैं आपको रात में दिखाता हूँ। और गाइस ये वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कॉमेंट कर सकते हो आप लोग। और बहुत ही सही अभी लुक आएगा। और जो प्रॉब्लम था NS160 125 पर, ये सब आप कर सकते हैं अपने गाड़ी में। और ये 200 में तो की ऑन करोगे तो ये तो जलता है, ये दोनों, ये पार्किंग लाइट और जो बाकी मीटर का लाइट है वो NS125 और 160 में नहीं जलता था। तो गाइस अभी ये जल रहा है, तो पूरा फुल टू वर्किंग है और इसमें कुछ वायरिंग कट करना नहीं पड़ा मेरे को। और बहुत ही इजी प्रोसेस आप भी कर सकते हैं अपने बाइक में। तो गाइस अभी जितना भी वायरिंग था बाइक का सभी वायरिंग ख़त्म हो गया है। और ये रहा हेडलाइट का स्विच, ये देखो हेडलाइट अभी ये ऑन करोगे तो ये देखो ऑन हो गया, ऑफ करोगे तो ये ऑफ। अभी देखो गाइस कभी की ऑन है और ये चल रहा है पूरा, और इस साइड मीटर भी चल रहा है पूरा, ये देखो चल रहा है ना, पहले तो नहीं चलता था अभी देखो चल रहा है। तो गाइस अभी रात का आपको व्यू दिखाऊंगा और उसमें ही आप सबको पता चलेगा ये जल रहा है नहीं। जो NS125 में हम डायरेक्ट सिस्टम किए थे, और ये देखो सब जल रहा है ना देखो, तो ये पूरा पूरी वर्किंग है। और ये देखो पीछे का भी टेल दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो चल रहा है पूरा। और आगे का ये देखो पूरा काम दे रहा है। और ये आप भी कर सकते हो गाइस। और ये देखो डायरेक्ट कर दिया है इसको हम तो। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ना। और गाइस एक बात, ये वाला जो मैं वीडियो बनाया हूँ यूट्यूब में, ये कोई भी नहीं छोड़ा, ये पहला जो मैं छोड़ रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करना बाकी वीडियो के जैसा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू टिल देन, टाटा बाय बाय।